कैसे हैं आप सब। अब आपका टाइम आ चुका है, यानी कि किंग वापस आ चुका है, लेके आ रहे हैं आपके पेज पे। तो दोस्तों, डॉक्टर्स की दवाई बहुत हो गई, अब होएगी सर्जरी क्रेटा की। और आज हम लेके आए हैं क्रेटा का टॉप वेरिएंट, ऑप्शनल वेरिएंट होएगा। सारी डिटेल, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट सब कुछ हम समझेंगे डिटेल में। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम फर्स्ट अपीयरेंस देखते हैं गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा अप टू मार्केट, एक रगड़ लुक, एक जंगली गाड़ी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गाड़ी को मैच्योरिटी मस्कुलर लुक लग रही है। अगर आप फ्रंट से देखें गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड अट्रैक्टिव लग रही है। किस तरीके से लग रही है? क्योंकि TRL दे रखी है आपको, और ये देखिए दो पॉइंट दे रखे हैं। देखिए, Hyundai हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आता है कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस हो, DRL में यूनिकनेस हो, या फिर आपकी हेडलैम्प्स में यूनिकनेस हो, इंटीरियर में यूनिकनेस हो। सिमिलर थिंग Hyundai ने फिर से की है। आप देख सकते हैं फ्रंट की जो DRL हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन दे रही हैं, वो डिफरेंट रोड प्रेजेंस दे रही हैं। साथ में अगर आप बात करो सेंटर में होराइजन LED हेडलैम्प्स कहते हैं इसको, जो कि फॉग लैम्प का भी काम करेगी और विजिबिलिटी का भी काम करेंगी। अगर आप देखें, अगर आपकी फ्रंट लुक देखें, बहुत ही ज़्यादा फ्लैटी और बॉक्सी लुक दे रही है, जैसे वेन्यू की लुक लग रही थी, सिमिलर लुक आपको देखने को मिल रही है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले, तो इसके अंदर मिलते हैं क्वाड LED हेडलैम्प्स, जिनकी जो विजिबिलिटी होती है दोस्तों बहुत वाइड होती है। अब क्वाड का मतलब क्या होता है? अब क्वाड के अंदर 1, 2, 3, 4 LEDs दे रखी हैं, जिनकी जो विजिबिलिटी रेंज होती है बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। और कहने का मतलब ये है कि जब आप ड्राइव कर रहे होंगे लंबे समय पे, लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल कर रहे होंगे, जहाँ पे विजिबिलिटी की जरूरत होगी, वहाँ पे अच्छे तरीके से विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए दोस्तों, फॉग लैंप्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। पहले क्या होता था, हेडलैम्प्स आपके ऊपर की तरफ रहते थे, उसके कारण आपको फॉग लैंप्स की रिक्वायरमेंट रहती थी। अब फॉग लैंप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही दोस्तों देखिए, Hyundai हमेशा कुछ ना कुछ यूनिकनेस करता रहता है। सिमिलरली आप देख पाएंगे इसके अंदर आपको जो आपका फ्रंट डिज़ाइन है, आप जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं टॉप वेरिएंट में, साथ ही स्किड प्लेट आपको देखने को मिलेगी सिल्वर कलर की। देखिए, पहले जो स्किड प्लेट आया करती थी वो छोटे लेवल की आया करती थी, छोटी स्किड प्लेट आया करती थी। अब किसी गाड़ी को मस्कुलर लुक देने के लिए कंपनी ने आपको जो स्किड प्लेट है थोड़ी सी वाइड करती हैं, बड़ी करती हैं, जिसके कारण जो मैच्योरिटी लुक है, मस्कुलर लुक है, वो ज़्यादा निखर के आता है और गाड़ी अच्छी और रगड़ लगती है। अगर आप सेंटर से देखें जो गाड़ी की लुक्स है, एक तो ब्लैक फिनिश के साथ आपको सिल्वर फिनिश दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही अगर बात करें जो वेंटिलेशन है दोस्तों, बहुत अच्छा वेंटिलेशन है। देखिए, जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा उतनी अच्छी गाड़ी की कूलिंग होगी, एफिशिएंटली काम करेगा इंजन, और साथ ही आपको माइलेज ज़्यादा देगी गाड़ी। और अगर हम बात करें इसके अंदर, आपको टॉप वेरियंट के अंदर एडास मिलता है, जिसके अंदर आपको 19 फीचर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको इसके अंदर रेडार मिल जाता है, जो कि आपके सेंस करेगा, आपके जब आप लेन असिस्ट यूज़ करेंगे या फिर फॉलो मी जस्ट यूज़ करेंगे, उस टाइम पे आपका सेंसर काम करेगा। और अगर हम बात करें सरफेस से, अगर डिस्टेंस देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा डिस्टेंस है। जब भी आप क्लाइम करेंगे, कहीं आप घर में पार्क करेंगे, तो गाड़ी इजीली क्लाइम कर जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्रेटा कल भी चैंपियन थी, आज भी चैंपियन है, और कल भी चैंपियन रहेगी दोस्तों। और अगर हम बात करें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएँ दोस्तों, अगर आप कैमरा मैन भी थोड़ा सा नज़दीक लेके आएँ, आप देखेंगे दोस्तों करेक्टरिस्टिक्स लाइन। अब देखिए, करेक्टरिस्टिक्स लाइन थोड़ी सी उभार के दी गई है। पहले एक करेक्टरिस्टिक्स लाइन आया करती थी, अब सेंटर में भी ऐसा लगता है कि एलिफेंट लुक दिखाई गई है गाड़ी की, थोड़ी सी मस्कुलर लुक दिखाई गई है। अब देख सकते हैं बोनट में करेक्टरिस्टिक्स लाइन है। अब देखिए, करेक्टरिस्टिक्स लाइन का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, एक तो एयर रेजिस्टेंस कम होती है, दूसरा गाड़ी की लुक से निखर के आती है, तीसरा जो विजिबिलिटी है, गाड़ी की सॉलिडनेस है, स्ट्रेंथ है, इन करेक्टरिस्टिक्स लाइन की वजह से बढ़ जाती है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ ही आप देख पाएंगे, आपको यहाँ पे सेंटर में आपको सनशेड देखने को मिलता है। सनशेड का देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट होता है। जब भी आप गाड़ी चलाएं, धूप आपके सर पे है, उस टाइम क्या होता है, एंगुलर लाइट धूप की पड़ती है, जिसके कारण होता है कि आपको ड्राइव करने में दिक्कत आती है। उस टाइम पे बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन देती है ये सनशेड, इसके कारण आपकी आंखों में डायरेक्टली लाइट नहीं जलती, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा रडार का कैमरा, जिसके कारण आपकी गाड़ी जो है सेंस करती है, आपकी पट्टियां जो होती हैं रोड पे उसको सेंस करती है, और गाड़ी सेल्फ ड्रिवन होने में कामयाब होती है, क्रूज करने में, या फिर जो कि लेन असिस्ट होती है, लेन के अंदर गाड़ी रखनी होती है, उसको कामयाब होती है। अगर आप देखेंगे, पियानो फिनिश के साथ आपको पिलर सी देखने को मिलेगा टॉप वेरियंट के अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। लुक प्रैक्टिकल लगते हैं, अब तो मार्केट गाड़ी लगती है। साथ ही देखिए, डेड पॉइंट देखने में बड़ा विजिबल, देखिए Hyundai क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। आपका जो पिलर है थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा रहती है, पर विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है, आपको एंगुलर लाइट इजीली विजिबल रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी आप टर्न लेंगे आपको इजीली विजिबल रहता है। तो अब चलेंगे साइड प्रोफाइल पर, देखेंगे क्या दोस्तों डिफरेंस है। चलो चलते हैं। तो अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे और बात करेंगे साइड प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आए हैं नहीं आए, कि आपको कुछ डिफरेंस मिला है। तो दोस्तों, जो साइड प्रोफाइल है, जैसे कंपनी ने फ्रंट से ऑल ओवर जो लुक है मस्कुलर कर दिया है, थोड़ी हैवी लुक दे दी है। पहले थी मेच्योर लुक, अब थोड़ी
मस्कुलर लुक दे दिया, जेंटल लुक से थोड़ी रगड़ हो गई है गाड़ी। अब अगर हम साइड प्रोफाइल देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइड प्रोफाइल है, कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोस्तों, कंपनी ने साइड से कुछ चेंज नहीं किया। पर जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो दोस्तों अलॉय व्हील का डिजाइन है। पहले आता था थोड़ा सा आप देखिए फ्लावर टाइप डिजाइन आता था, बट अब कंपनी ने थोड़ा सा आप देख सकते हैं रनिंग टाइप अलॉय का डिजाइन दे दिया, जो कि बहुत ज्यादा अप टू मार्केट लग रहा है। अब ये जो डिजाइन है इसे कहते हैं डायमंड कट। डायमंड कट का मतलब ये होता है कि मशीन आपका जो अलॉय कास्टेड है उसमें मशीन हुई रखी है। मशीन से देखिए क्या होता है, आपको गाड़ी की जो डिजाइन है बहुत अच्छा लगता है आपका। साथ ही आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है फ्रंट में, ABS EBD आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको EBD के साथ मिलती है गाड़ी, ABS प्लस EBD मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। गाड़ी की जो ब्रेकिंग होती है कंप्यूटर खुद हैंडल करता है कि आपकी गाड़ी की ब्रेक फ्रंट में ज़्यादा लगनी चाहिए कि पीछे ज़्यादा लगनी चाहिए, तो वो जो कि जिसके कारण गाड़ी कंट्रोल हो जाती है। अगर हम देखेंगे इसके अंदर जो टायर मिलता है वो आपको मिलता है 215/60/R17 का टायर साइज मिलता है, जो कि बहुत अच्छा टायर साइज माना जाता है। साथ ही अगर आप बात करेंगे दोस्तों गैप की, बात करेंगे दोस्तों अच्छा खासा गैप है, एक हाथ जितना गैप है, जिसके कारण जो सस्पेंशन है बहुत अच्छे से काम करेगा। जब भी आप खड्डे में जाएगी गाड़ी या फिर रफ ट्रेन में कहीं भी चलाओगे गाड़ी इजिली चल पड़ेगी, कोई दिक्कत उठाने वाली बात नहीं है। मैक्स परसेंट का सस्पेंशन होने की वजह से आपको गाड़ी की ड्राइवर सीट पर जर्क वाइब्रेशन नहीं महसूस होते, सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से गाड़ी अच्छे से चलती है और वाइब्रेशन जर्क नहीं महसूस होते। तो उसके अलावा दोस्तों अगर हम फ्रंट से देखें इसका जो क्लैडिंग है दोस्तों ये ब्लैक कलर में आता है। देखिए गाड़ी के अंदर ड्यूल टोन होने का दो रीजन होते हैं, एक तो गाड़ी मस्कुलर लगती है, साथ ही डिफरेंट लगती है, साथ ही अपीयरेंस है गाड़ी की सिंपल नहीं लगती है, थोड़ी मॉडर्न लगती है। उसके साथ देखेंगे अगर हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आपको ये क्लैडिंग है पूरी भी करके दी गई है। साथ ही आपको जैसे फ्रंट के अंदर आपको करेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलते हैं, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स लाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, जिसका बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है दोस्तों। करेक्टरिस्टिक्स लाइन होने की वजह से गाड़ी के अंदर एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, गाड़ी जो है हाई स्पीड पर भी बैलेंस होकर चलती है, जो कि बड़ा अच्छा सरप्लस पॉइंट है। अगर हम बात करें दोस्तों इंडिकेटर टॉप वेरियंट में SX ऑप्शनल वेरियंट है, और इसके अंदर अगर हम इंडिकेटर पे बात करें इंडिकेटर ऑन ओवरएम रहते हैं, इसके कारण आपको जब भी आप टर्न लेंगे जो थर्ड पर्सन है उसको पता लग जाएगा कि गाड़ी इंडिकेट हो रही है, जिसके कारण आपको गाड़ी चलाने में भी सुविधा है क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट होने से बच जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको जो ओवरएम है आपको इसके अंदर कैमरा मिलता है ब्लाइंड मोड की वजह से, साथ ही पेडल लैंप भी मिल जाते हैं, जिनका बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कि जब भी आप गाड़ी को खोलेंगे तो आपको वेलकम करेगी गाड़ी, आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड होगी अगर कच्चे पक्के रास्ते पे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुविधादायक होगी। अगर हम बात करें इसकी, आप जैसे फ्रंट में आपने स्किड प्लेट देखी है, सिमिलर स्किड प्लेट आपको साइड में भी देखने को मिलती है। देखिए ये छोटी बातें होती हैं और जो कि डिज़ाइन को कंप्लीट करती हैं, जिसके कारण बहुत सारे एडवांटेज होते हैं दोस्तों। साथ ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 190 की ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसे पहले भी थी। देखिए 190 ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन इनफ होती है गाड़ी को हाईवेज पे या फिर मड ट्रेन में कहीं पे भी चलाने के लिए, जो कि मोर देन इनफ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं व्हील बेस की, देखिए गाड़ी का व्हील बेस बहुत अच्छा है, जितना अच्छा व्हील बेस होगा उतनी ही अच्छी दोस्तों गाड़ी के अंदर बैक की सीटिंग होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। हुंडई का जो क्रेटा का व्हील बेस है बहुत अच्छा है और गाड़ी चलाने में भी मज़ेदार आता है। अगर हम ऊपर की तरफ थोड़ा ध्यान दें, आपको इसके अंदर रूफ रेल मिलती है। देखिए मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप कोई SUV ले उसके अंदर रूफ रेल देखने को मिलती है। रूफ रेल का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या होता है दोस्तों, कि जो ग्राउंड से हाइटेड कार है जो आपकी रूफ रेल की वजह से होती है। दूसरी बात, एयर की जो रेजिस्टेंस होती है इसकी वजह से थोड़ी कम हो जाती है। तीसरी बात, आपकी जो लुक्स है गाड़ी की रूफ रेल की वजह से थोड़ी हाइटेड लगती है गाड़ी, जो कि सबसे अच्छा सरप्लस पॉइंट है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे बैक साइड पे और देखेंगे गाड़ी के बैक साइड पे बैठ के कितना कंफर्टेबल है या नहीं है। तो साथ में जब हम गाड़ी की पिछली साइड पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है यू कनेक्ट का आपको एक स्टिकर लगता है देखने को, जो कि इमरजेंसी में रोड साइड असिस्टेंस को लेने में बहुत ज़्यादा सुविधादायक होता है। तो अगर हम जब डोर खोलते हैं तो दोस्तों देखने वाली बात क्या है वो दिखाऊँ आपको। जैसे पहले आपको कर्टन मिलते थे, अभी भी कर्टन आ रहे हैं, आप देख पाएंगे कि पिछली साइड आपको कर्टन देखने को मिलता है। जब भी आप हाईवे से चलाएं तो पिछले वाला बंदा कंफर्टेबली होकर जा सकता है, कोई दिक्कत उठानी वाली बात नहीं आती। हाँ ध्यान रखना शहरों में यूज़ करना आपका चलान हो जाएगा। अगर हम देखिए इंटीरियर की बात करते हैं, इसके अंदर जो गाड़ी का इंटीरियर है पूरा डार्क नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ग्रेइश लुक के साथ इंटीरियर दिया गया है। साथ ही अगर बात करें टॉप वेरिएंट होने की वजह से आपको आर्म के आसपास अगर आप देखेंगे लेदर पॉलिश देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पावर विंडो का स्विच मिलता है और मेटल फिनिश के साथ आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कि पहले भी आते थे दोस्तों। साथ ही बॉस का प्रीमियम साउंड सेगमेंट भी इस सेगमेंट में दिया गया, जो कि बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। साथ ही अगर बात करें 1 लीटर बॉटल होल्डिंग भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है दोस्तों। साथ ही अगर हम बात करें गाड़ी में, जब हम गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं तो बड़े ही इजीली कंफर्टेबली तरीके से मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हूँ। और अच्छी बात क्या कि दोस्तों सीट मैंने पूरी पिछली की हुई है,
और दिखाने वाली बात क्या है दोस्तों कि मेरे पास हाई स्पोर्ट बहुत अच्छा है, साथ ही हेडरूम मेरे पास बहुत अच्छा है ताकि मैं कंफर्टेबली बैठ पाऊँ, कोई दिक्कत परेशानी ना लगे मुझे। साथ ही जब मैं लंबी जर्नी में कहीं जा रहा हूँ हैंडल दिए जाते हैं जिसके कारण मैं कंफर्टेबली पकड़ के जा सकता हूँ। और देखने वाली बात एक और चीज़ है दोस्तों, इसके अंदर हर एक पहले भी क्रेटा में ये फीचर आया करता था कि आपको स्टडी लैंप मिला करते थे। देखिए स्टडी लैंप का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कि आप अगर इंडिविजुअली यूज करना चाहते हैं स्टडी लैंप यूज कर सकते हैं, जिसके कारण और बंदे डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप इंडिविजुअली अपना यूज कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। अब देखिए मेरी हाइट 5'11" है, आपकी हाइट 6'10" भी हो सकती है। तो आप जो अपनी सीट है अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अपनी सीट एडजस्टमेंट आप यहाँ से अपनी सीट की जो एडजस्टमेंट है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड सीट एडजस्टमेंट है, उसके अलावा मैं एक और सीट एडजस्टमेंट कर सकता हूँ जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। साथ ही टॉप वेरिएंट में अगर आप देखेंगे एसएक्स अबव वेरिएंट में आपको नेक कुशन भी देखने को मिलता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर जब आप लंबी जर्नी में जाते हो तो अपना नेक रख के कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लंबी जर्नी में मजा आता है आपको कंफर्टेबली बैठ के। और अच्छी बात क्या है कि दोस्तों सी टाइप चार्जिंग पोर्ट हुंडई ने अब क्रेटा में भी दे दी है। कैमरा मैन जी दिखाएं, अब देखिए दिखने वाली बात क्या है कि डिजाइन कितने अच्छे तरीके से किया गया है कि सी पॉइंट दोनों चार्जिंग पोर्ट भी दे रखे हैं और फोन रखने की जगह भी दे रखी है। इसका एडवांटेज दोस्तों आपको पता ही है कि फोन चार्ज करने में आपको कितनी दिक्कत आती थी और फोन रखने में भी दिक्कत आती थी, वो नहीं होगी। साथ ही अगर आप थोड़ा सा ऊपर ध्यान दें, रियर आपको एसी वेंट भी मिलते हैं गाड़ी के अंदर और फ्रंट आर्मरेस्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाड़ी के अंदर क्रेटा के अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलता है दोस्तों। पैनारोमिक सनरूफ होने से गाड़ी की जो अप टू मार्केट क्लास होती है, मतलब की लग्जरीनेस होती है, वो निखर के आती है। अब इसके अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलता है जो कि पूरा वाइड है, हम आगे यूज करके भी दिखाएंगे आपको। तो उसके अंदर आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलता है जो कि बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। साथ ही अगर आप बात करें सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा, जब आप दो बंदे जा रहे हैं तो आप सेंटर में आर्मरेस्ट भी देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। जब आप लंबी जर्नी में जाते हैं तो थोड़े थोड़े कंफर्टेबल फीचर होने से गाड़ी में कंफर्ट लंबी जर्नी में जाने में बड़ा मजा आता है दोस्तों। साथ ही 3-point बेल्ट सिस्टम दोस्तों, हुंडई सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, मैंने पहले भी बताया आपको 3-point बेल्ट सिस्टम। और साथ में अगर छोटा बेबी घर में है, आइसोफिक्स सीट लगाने का भी प्रोविजन आपको दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा। हुंडई बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, आपने ये सेफ्टी फीचर दिया हमें। बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 3-point बेल्ट सिस्टम एक 36 फीचर में स्टैंडर्ड फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। तो दोस्तों ये थे बैक साइड पे, और देखने वाली बात है कि आपको स्टॉप प्लेट भी आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। एसएक्स वेरिएंट से आपको देखने को मिल जाती है स्टॉप प्लेट ऐसा ऑप्शन, इससे मेरे ख्याल से स्टार्ट आपको, जो कि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर गाड़ी का जो डिजाइन है बहुत अच्छा है। देखिए कंपनी ने जो इंटीरियर दिया है, गाड़ी के अंदर ड्यूलिश इंटीरियर है, आप देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर है गाड़ी का इंटीरियर, और गाड़ी का जो इंटीरियर है बहुत अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। आप पीछे भी बैठे हो तो आपको बहुत मजेदार फीलिंग आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मैं किसी छोटी गाड़ी में बैठ गया हूँ, टाइट गाड़ी में बैठ गया हूँ, ऐसा नहीं है। बोल्ड लग रही है, अंदर से स्पेशियस लग रही है। देखिए बेज कलर साथ में माउस ब्लैक ग्रे कलर, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठे तो स्पेशियसनेस लगनी चाहिए। 5 बंदे क्रेटा में बैठ जाते हैं और क्रेटा 2015 से किंग है, आज भी किंग है दोस्तों। तो चलो चलते हैं अब बाहर की तरफ और देखेंगे आगे क्या फीचर मिलते हैं। तो दोस्तों जब हम बाहर आते हैं बड़े कंफर्टेबली बाहर आ चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। और देखने के बाद जैसे कंपनी ने पहले अपना जो डिजाइन था कंटिन्यू किया था सिल्वर इंसर्ट के साथ, सिमिलर सिल्वर इंसर्ट अभी भी आपको दी गई है, जो कि ग्लॉसी पेंट के साथ की गई है, जो कि बहुत अच्छी लगती है, जो डिजाइन को बड़ा अट्रैक्शन देती है। तो ये चीज थी साइड प्रोफाइल के बारे में बात। तो अब चलेंगे बैक साइड पे और देखेंगे क्या फीचर मिलते हैं, चलो चलते हैं। तो दोस्तों जैसे फ्रंट से आपके जो DRLs हैं कनेक्टेड मिलते हैं, गाड़ी बहुत सुंदर लगती है, पीछे से भी उतनी ही सुंदर है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं बैक साइड से, टेल लैंप जो आपके हैं पूरे कनेक्टेड मिलते हैं। जैसे दोस्तों आज की डेट में ये चीज का ट्रेंड ही चल चुका है दोस्तों, कनेक्टेड टेल लैंप देने का जो ट्रेंड है। पहले लोग एक्सेसरी लगवाया करते थे, बट अब कंपनी ने ही इनबिल्ट देना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छी सरप्लस पॉइंट है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल पार्ट जितना ही कंपनी बिल्ड हो उतना ही अच्छा लगता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ देखें, शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, जिसका एडवांटेज दोस्तों आपको पता ही है, एक तो लुक दिखाता है, दूसरी सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही आपको पिछली की तरफ आप देख पाएंगे स्पॉइलर है, जिसके अंदर हाई माउंटिंग लैंप भी दिया जाता है। हाई माउंटिंग लैंप से एडवांटेज दोस्तों पता है क्या होता है कि सबसे अच्छी बात कि जब आपका ड्राइवर पीछे वाला हो, उसके पीछे वाले बंदे को पता करना हो कि गाड़ी ने ब्रेक मारी है, तो आपको यहाँ से पता लग जाती है। साथ ही नीचे तरफ देखेंगे डीफॉगर मिलता है। डीफॉगर का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट दोस्तों फॉगी सीजन में होता है, या वेदर बारिश हो रही है उस टाइम बड़ा एडवांटेज होता है कि आपकी जो फॉगिंग है वो हटा देता है ये हीटिंग करके। और साथ ही रियर वाइपर इसका 4 पे चांद लगा देता है, वाइपिंग करके सारे को साफ भी कर देता है। और वॉशिंग का सिस्टम भी दिया गया, देखिए वॉशिंग का सिस्टम कितने हिडन रखा हुआ है ताकि गाड़ी की जो लुक्स है उसमें कोई कमी ना रह जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्रेटा की आपको लोगो देखने को मिलेगा यहाँ पे ही आपको टेल गेट पे। साथ ही आपको एसएक्स यानी ये टॉप वेरिएंट है, तब भी आप एसएक्स ऑप्शन है, पर एसएक्स की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। साथ ही अगर हम
थोड़ा सा ध्यान दें गाड़ी के अंदर, आपको इसके अंदर जैसे फ्रंट में आपको बम्पर देखने को मिला था आपका ड्यूल टोन में, सिमिलर जो बम्पर है आपको सिमिलर इसके अंदर भी ड्यूल लुक के साथ मिलता है। आप देखिए आपको स्केट प्लेट मिल गई सिमिलर कलर में, और वो भी पूरी दी गई है, ऐसे नहीं कि आधी अधूरी कर दी कंपनी ने, पूरी दी गई है। साथ में ब्लैक एंड बम्पर है, पार्किंग सेंसर दिए गए हैं आपको, साथ ही आपको देखने वाली बात है कि कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और अच्छे तरीके से लोकेट करके दिया गया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि गाड़ी का जो इंटीरियर है उसमें या फिर गाड़ी के जो लुक्स है एक्सटीरियर है उसमें कोई कमी पेशी रह जाए, ऐसा नहीं है। एक्सटीरियर को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, अच्छे से प्लग इन प्ले कर किया गया है, वो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखिए फ्रंट से गाड़ी को क्लाइम करना हो तो बड़े जी भी क्लाइम हो जाती है, और अगर पीछे से सरफेस देखिए तो वो बहुत अच्छा सरफेस है जिसके कारण जो गाड़ी क्लाइम करते वक्त पीछे भी नहीं लगेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और अगर हम देखिए दोस्तों इसमें जो टेल गेट आता है आपका इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपनिंग का फंक्शन होता है, आप यहाँ से बटन प्रेस करेंगे आपका टेल गेट इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर हम देखेंगे इसके अंदर बूट स्पेस भी, जैसे पहले बूट स्पेस था नियर अबाउट आप मान के चलिए 450 लीटर के आसपास का बूट स्पेस था, पहले उतना ही बूट स्पेस सिमिलर आपको मिला है, कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि मोर देन नफ है। देखिए दोस्तों कंपनी जो मेजर चेंज किए हैं आपके इंटीरियर में और बैक साइड पे किया है, मेजर कुछ ज्यादा चेंज नहीं किए हैं। अगर हम देखेंगे लगेज निकालना और रखना बड़ा कन्वीनियंस हो जाता है, आप देखिए नॉर्मली आप सामान उठा रहे हैं और गाड़ी के अंदर रख रहे हैं तो कन्वीनियंस होना चाहिए। अब देखिए अगर बाउंसी सरफेस होता, थोड़ा सा ऊपर सरफेस होता जिसके कारण आपको निकाल के रखना पड़ता, वो थोड़ा टफ काम हो जाता है। इसके कारण कंफर्टेबली आप गाड़ी में सामान रख सकते हैं, साथ ही आपको लगेज लैंप भी दिया गया। आप देखिए नाइट हो चुकी है, आपको विजिबिलिटी कितनी अच्छी दी गई है कि आपको लगेज लैंप भी दे दिया गया है। साथ ही जो आपकी क्वालिटी है प्लास्टिक की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, आप देख से पाएंगे आपको पार्शियल ट्रे भी दी जाती है, ये टॉप वेरिएंट है इसमें तो रहेगी दोस्तों। आप देखिए पार्शियल ट्रे आपको देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी है इसके अंदर, और प्लास्टिक क्वालिटी में कोई कमी पेशी नहीं है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक दे रखा है। और जब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बाद आपको स्पेयर व्हील की, इसके अंदर आपको 16 इंच का स्टेपनी व्हील का देखने को मिलेगा, जो कि देखिए हर एक गाड़ी में एक इंच नीचे ही देखने को मिलता है। आपको टूल किट भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है, और देखने वाली बात यह है कि आपको स्पेस अच्छा खासा होने की वजह से आपको यूज़ करना बड़ा कन्वीनियंस रहता है, क्योंकि बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। और अगर बात करें इसके अंदर आपको सब बूफर जो है पीछे प्लेस किया जाता है, जैसे इस गाड़ी में आपको पता है बॉस का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ पूरा, आपको बॉस का सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर मिल जाता है, देखिए आप इमरजेंसी में कहीं आपने गाड़ी पार्क की है आपको रोड साइड असिस्टेंस की जरूरत है तो इमरजेंसी में आप ये लगा सकते हैं रिफ्लेक्टर, जिसके कारण आपको कोई साइड गाड़ी हिट नहीं करेगी। जब आप देखिए दोस्तों गाड़ी को बंद करते हैं आप देख पाएंगे इसका टेल गेट नहीं चल रहा है कनेक्टेड में, और जब भी आप लगाएंगे टेल गेट चल जाते हैं। अब देखिए ये फीचर अच्छा भी है दोस्तों कि जब भी आपका टेल गेट ओपन हो आपको पता लग जाए कि गाड़ी का टेल गेट ओपन है, ये भी बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट है। अगर हम अब चलेंगे दोस्तों ड्राइवर डोर पे और देखेंगे क्या फीचर्स आते हैं ड्राइवर डोर पे, चलिए बनिए रहिए पेज पे या कार एडवाइजर पे। चलो दोस्तों ये है आपकी गाड़ी की स्मार्ट की, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं। सबसे पहले गाड़ी लॉक करने की, अनलॉक करने की, फिर आपको गाड़ी होल्ड का बटन दिया गया है। होल्ड का देखिए एडवांटेज ये होता है जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करने की से तो गाड़ी आपकी की से ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको डिग्गी खोलने का भी ऑप्शन दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों आपको पॉकेट में से चाबी निकालने की जरूरत नहीं है, आपके हैंडल पे स्मार्ट एंट्री दी जाती है, जो कि बहुत अच्छा फंक्शन है दोस्तों टॉप मॉडल में आपको देखने को मिल जाती है। और जब हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं, आपको जब भी गाड़ी आप अनलॉक करें दोस्तों, दोबारा दिखाता हूँ, जब भी आप गाड़ी अनलॉक करें तो आपका जो मिरर है आपका वेलकम करता है, मतलब गाड़ी अनफोल्ड जो आपके ओवरम है फोल्ड करते हैं और अनफोल्ड करते हैं, आपके ऐसे एक्सपीरियंस से स्टार्ट हो जाता है। और आपको पडल लैंप भी विजिबिलिटी मिलती है, जिसका बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट होता है दोस्तों कि आपको अगर कहीं मैरिज या कहीं से आ रहे हैं आप देखोगे कच्चे रास्ते पे पैर गंदे होते हैं, गाड़ी के अंदर गंदी मिट्टी जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको पडल लैंप देखने को मिल जाते हैं। जब हम गाड़ी का डोर खोलते हैं दोस्तों, ड्राइवर डोर खोलते हैं, आप देख पाएंगे जो गाड़ी का डोर है प्रीमियम है, लुक्स वाइज अच्छा लगता है। साथ ही आप बात करें जो बेसिक फीचर्स आते हैं, पावर विंडो का स्विच है, ऑटो डाउन का फंक्शन है, आपको छोटे बच्चों के लिए पावर विंडो लॉक है पीछे वाली, गाड़ी का सेंटर लॉकिंग है, फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है, यहाँ पे साइड मिरर एडजस्टेबिलिटी का फंक्शन है, या फिर रोलर का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाती है फाइनल डोर पे। और देखेंगे आर्मरेस्ट जो पूरा वाइड आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण आपको कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है। साथ ही टॉप वेरिएंट में आपको लेदर टच मिल जाता है, जिसके कारण आपको आर्म जो आपकी आर्म है बड़े कंफर्टेबली आप रख पाएंगे। साथ ही 1 लीटर बॉटल होल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और मैक पॉकेट भी देखने को मिल जाती है। और जो ट्विटर की प्लेसमेंट की गई है वो ऊपर की तरफ की गई है, इसका बड़ा अच्छा एडवांटेज है दोस्तों, ट्विटिंग की साउंड है बहुत अच्छी मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों टॉप वेरिएंट होने की वजह से आपको आपको देखने को मिलेगा 8-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाएगी। क्या आप देखिए सीट आगे पीछे कर सकते हैं, बैक सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप यहाँ से अपनी, और साथ ही में हाइट एडजस्टमेंट भी यहीं से कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। टॉप वेरिएंट होने की वजह से कंपनी ने ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं ड्राइवर सीट पर, देखेंगे क्या फीचर मिलते हैं। चलो चलते दोस्तों आ चुके हैं ड्राइवर सीट पे।
देखिए ड्राइवर सीट पे मैंने आपको ड्राइवर डोर पे बताया कि उसकी ड्राइविंग सीट जो आप इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और अच्छी बात क्या है कि गाड़ी के अंदर अंदर बैठना और निकलना बड़ा कन्वीनियंस है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और देखिए हाइट की बात करें, मेरी 5'11" हाइट है, मेरे पास हेडरूम अच्छा खासा है, मैंने हाइट अच्छी खासी की हुई है गाड़ी की। अब देखिए मैं हाइट अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकता हूँ इसकी, जैसे मैं करना चाहूँ। अब देखिए हाइट मेरे पास अच्छी खासी है, और तब भी मेरे पास अगर आप बात करें रूम की, बात करें हेडरूम की, बात करें बहुत अच्छा कन्वीनियंस है, मैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है दोस्तों। और साथ ही कहने वाली बात है दोस्तों, गाड़ी के अंदर जो डीकर स्टेयरिंग दिया गया है, जिसके कारण मेरी इनग्रेस और आउटग्रेस बड़ी कन्वीनियंसली हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं लग रही है, पॉजिटिव पॉइंट है, ये चीज़ होनी चाहिए थी। साथ ही अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो आपका स्टेयरिंग है, पहले टिल्ट भी एडजस्ट हुआ करता था सिर्फ, अब आपको सिर्फ टेलीस्कोपिक भी देखने को मिल गया। मतलब कहने का मतलब ये कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा एडवांटेज है दोस्तों स्टेयरिंग को। जस्ट पहले ये i20 में फंक्शन आपको देखने को मिलता था, अब आपको क्रेटा में भी मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, सरप्लस पॉइंट है ये चीज़ का। अगर हम ऑल ओवर देखिए दोस्तों, पहली अपील की बात करें गाड़ी के अंदर, जब मैं एंटर करता हूँ ऐसा लगता है कि किसी में एक अपग्रेडेड 2050 के किसी जहाज में एंटर कर गया हूँ, जिसके अंदर जो मेरी इंफोटेनमेंट है या फिर टच स्क्रीन है, पूरी पैनल गाड़ी के अंदर कनेक्टेड हो चुका है, क्योंकि बहुत अपीयरेंस लग रहा है, अप टू मार्केट लग रहा है, और पैसे लगाए हुए दिखते हैं गाड़ी के अंदर। जब आप पैसा लगा रहे हो तो दिखना भी चाहिए दोस्तों, तो इसके अंदर दिख रहा है, अपीयरेंस आ रही है। साथ में आपको एम्बियंस है गाड़ी का बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, गाड़ी क्वालिटाइज लगती है, अच्छी लग रही है। अगर इंटीरियर वाइज देखें तो आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, फील भी आ रहा है, फील भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है। पहली वाली क्रेटा से आप देखिए बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड लग रहा है ये। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि ये आपकी स्मार्ट की है, इसके अंदर पुश बटन स्टार्ट आपको देखने को मिलता है, टॉप वेरिएंट से आपको पुश बटन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही अगर आप देखेंगे ऑटो स्टार्ट का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, जब ये आप देखिए लाइटों पे रुकते हैं उस टाइम के अंदर गाड़ी फ्यूल कंजर्व करती है आपकी हाई लाइटें होने में, तो उस टाइम पर क्या है कि जब ज़्यादा लाइटें हों तो आप इस आपकी जो गाड़ी है बंद हो जाती है, जैसे आप क्लच दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। साथ ही फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, लाइट एडजस्टमेंट का भी बटन देगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में अगर आप वेंट देखेंगे दोस्तों, कंपनी ने जो वेंट का डिज़ाइन चेंज किया है बहुत अच्छा किया, पहले ओवल टाइप किया आया करते थे, अब कंपनी ने थोड़ा स्क्वेरिश किया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, अप टू मार्केट लग रहा है, अपग्रेडेड लग रहा है। अगर हम देखिए, अगर हम ऑल ओवर बात करें डैशबोर्ड की, तो आप देख पाएंगे जो क्लस्टर इन्फॉर्मेशन और जो म्यूजिक सिस्टम का कम्बिनेशन किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए देखिए अगर सिंपल डैशबोर्ड होता, गाड़ी की लुक ना आती, फील ना आता। अब देखिए जो करेक्टरिस्टिक लाइन की होने की वजह से जो गाड़ी का डैशबोर्ड का इंटीरियर का लुक आ रहा है, बहुत मज़ेदार लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, और मुझे थोड़ा अप टू मार्केट भी महसूस हो रहा है, और बोनट देखने में कंफर्टेबिलिटी महसूस हो रही है। ऐसे नहीं कि मेरी आंखों में डैशबोर्ड टच हो रहा है, ऐसा नहीं है, बोनट अच्छी सी विजिबिलिटी है। साथ में अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले, तो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है आपको ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन मिलता है दोस्तों, रात में लाइट बंद हो जाती, रात में जल जाती है, दिन में बंद हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा फंक्शन है। साथ ही स्कॉट फंक्शन भी यहीं से काम करता है। साथ में अगर आप देख पाएंगे, आपके हेडलैम्प ऑन ऑफ का फंक्शन मिल जाता है, डिपर का फंक्शन मिल जाएगा दोस्तों, और नॉर्मल लाइटिंग का भी फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरे लीवर की तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पे अपनी जो आपकी वॉशिंग टाइमर होता है, बल्कि वाइपर का टाइमर होता है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बूंदाबांदी होती है जिस टाइम पे, उस टाइम आपको बार बार वाइपर ना चलाना पड़े, तो इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बात करें, इसके अंदर आपको वॉशिंग का सिस्टम, यहाँ से आप अपना वॉशिंग ऊपर की तरफ होती है। साथ ही आपका रियर वाइपर अगर आप चलाना हो, तो यहाँ पर आपका रियर वाइपर यहाँ से ही चल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वॉशिंग करनी हो तो नीचे की तरफ वॉशिंग हो जाती है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों स्टेयरिंग कंट्रोल्स की, तो दोस्तों टॉप वेरियंट में आपको 19 एडास के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप राइट साइड पे देखें, आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है यहाँ पे दोस्तों। साथ ही अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर आप ध्यान से दें नीचे की तरफ, अगर आप ध्यान दें, क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने का फंक्शन है। साथ ही लेन असिस्ट को यूज करने के लिए आपको फंक्शन यहाँ पे मिलता है दोस्तों टॉप वेरिएंट में। अगर आप मैनुअल में देखें तो आपको लेन असिस्ट देखने को मिलती है, गाड़ी जो है लेन के अंदर रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। यहाँ से जो क्लस्टर इन्फॉर्मेशन है, कैमरा मैन थोड़ा सा ऊपर करें, आप क्लस्टर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है, आप अपना टेक्निकल डाटा जो भी लेना चाहेंगे यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही आपको कंपास देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और साथ ही आपको टायर प्रेशर भी देखने को मिलेगा। आज के जमाने में टायर प्रेशर सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जब भी आप चलें, आपको ट्रैवल करें, आपके टायरों का प्रेशर पता होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम दूसरी तरफ थोड़ा सा कंट्रोल की तरफ देखें, तो आपको यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल की स्पीड जो होती है गाड़ी की, जो पैडल से आपकी स्टेयरिंग पे आती है, वो देखने को मिलती है, जिसके कारण आप अपनी स्पीड है यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूसरी साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा कंट्रोल देखेंगे, आपको वॉइस असिस्ट का कंट्रोल मोड, आपको ट्रैक चेंज, वॉल्यूम, म्यूट और कॉल पिक करने का फंक्शन मिल जाता है, और स्टार फंक्शन भी मिल जाता है, कोई भी चीज आपने स्टार करनी है।
साथ ही देखिए जो पैनल है इसका पियानो फिनिश में दिया गया है जो कि अप टू मार्केट लग रहा है, और देखने वाली बात है कि डैशबोर्ड के साथ मिलता जुलता जो कि बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा सर प्लस पॉइंट लग रहा है। साथ ही अगर आप बात करें क्लस्टर इन्फॉर्मेशन की, आप ध्यान से देखें तो कैमरामैन जी दिखाएं, अब देखिए डैशबोर्ड जो है गाड़ी का, आप देखिए बहुत अच्छा दिया है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखिए इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, गाड़ी का डोर खुला आपको राइट साइड में पता लग रहा है और लेफ्ट साइड में ये भी देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप ध्यान से देखें इसको, आपको इसके अंदर एक फंक्शन दिया जाता है दोस्तों, जो अगर जब भी हम देखें कि जैसे हमने क्रेटा या टूसॉन में देखा, जब भी आप इंडिकेट करते हैं आपको इसके अंदर ब्लाइंड मोड देखने को मिलेगा। अभी देखिए दरवाजा खुला है उसकी वजह से नहीं दिखा पा रहे, तो अगर आप जब लेफ्ट या राइट किया करेंगे आपको जो विजिबिलिटी है आपके क्लस्टर के आपके स्पीडोमीटर पे ही देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों सिल्वर से, अगर आप देखेंगे सिल्वर हैंडल दिए गए और देखिए जो ब्राउनिश कलर का इंसर्ट दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, जो गाड़ी के डिजाइन को कंप्लीट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, अप टू मार्केट लगता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अप टू ज्यादा फीलिंग आ रही है कि हाँ भैया कुछ स्पेयरिश चीज दी गई है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। साथ ही अगर आप बात देखें तो आपको टच स्क्रीन जो है 10 इंच का मिलता है जो कि ज्यादा बहुत ज्यादा अप टू मार्केट लग रहा है। पहले भी क्रेटा में दिया जाता है 10 इंच का, बट अब थोड़ा सा डिजाइन के साथ घुल मिल गया है, ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा अलग पार्ट लग रहा है, इसी के अंदर एक सिंपल पार्ट लग रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे इसके अंदर जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे चलती गाड़ी में लाइव कैमरा चल जाता है। अब देखिए इसके अंदर आपको देखिए नीचे की तरफ आपको व्यू बटन दिया जाता है, पी लिखा हुआ है व्यू बटन दिया गया है, जिसके कारण आपको जो टोटल व्यू है फ्रंट का या फिर अगर आप 360 व्यू की बात करें आपको सारा व्यू दिखता है इसके अंदर, जिसके अंदर आप अपने एंगल्स हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको एंगल पूरा दिख गया है, गाड़ी कहाँ लगी हुई है, आप अपनी गाड़ी को देख सकते हैं कैसे गाड़ी लगी हुई है, कैसे कौन से एंगल से गाड़ी कहाँ पोजिशन है, जिसके कारण आपको पार्किंग करने में या चलती गाड़ी में आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरी गाड़ी कहाँ पे कौन से पोजिशन में, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब आप बटन बंद कर देंगे आपका व्यू बंद हो जाएगा। अब देखिए नेविगेशन का अगर आप देखें तो पैटर्न कितना अच्छा चल रहा है, अब देखिए ऑफ स्क्रीन है तब भी आपको पैटर्न दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। साथ ही आपको इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, और नया फीचर जो ऐड ऑन किया कंपनी जियो सावन ने ऐड ऑन किया गया, जिसके कारण आप अपने गाड़ी के अंदर ही बिना फोन ब्लूटूथ कनेक्ट किए गए आप अपना जियो सावन यूज कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। साथ ही अगर इसको यूज करते हैं तो आपको गाने वगैरह आप यहीं से प्ले कर सकते हैं, और आपको एडिशनल कोई एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है। और देखने वाली चीज है जो नई कंपनी ने दी गई है आपको इसके अंदर टॉप वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलता है इसके अंदर ड्यूल FATC। अब देखिए आपकी वाइफ बैठी हुई है उसको ठंडी पसंद है, आपको हीटर पसंद है, तो आप अपने दोनों का टेम्परेचर है अलग अलग सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल कोई आपको कॉमन AC मिलेगा, आप दोनों अलग अलग यूज कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये जो डिजाइन है आप देख पाएंगे पियानो फिनिश के साथ दिया गया है, और ऐसा लगता है किसी जहाज के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ऐसा लगता है किसी 2050 की गाड़ी में बैठ गए हैं। साथ ही मैनुअल ऑपरेटेड भी दिए गए हैं, और आपको बटन भी दिए गए हैं, और टच इंफोटेनमेंट आपको इंफॉर्मेशन भी सारी मिल रही है इसके अंदर, आप देख ही सकते हैं। और जो बटन दिए गए हैं दोस्तों थोड़े से अप टू डेटेड दिए गए हैं, कुछ नए स्टाइल के साथ दिए गए जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। है फंक्शनल बड़ा अच्छा दिया गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ऑफ का बटन आ जाता है, डिफॉगर का बटन आ जाता है, सेंसिंग आ जाती है, फैंस के कंट्रोल आ जाते हैं, आपको AC का कंट्रोल आता है, सारा कुछ देखने को मिलता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ ध्यान दें, पहले क्रेटा में USB पॉइंट आया करते थे, अब सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि बहुत अच्छा लगता है, साथ ही वायरलेस चार्जर मिल जाता है। अब टॉप वेरिएंट होने की वजह से आपको यहाँ पे पियानो फिनिश मिल रही है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, हर एक चीज के साथ कॉम्बिनेशन मिल रहा है। साथ ही आप स्विच देख पा रहे हैं यहाँ पे, वेंटिलेशन के स्विच दिए गए हैं जैसे क्रेटा के टॉप मॉडल में पहले भी आया करते थे, और साथ में जैसे मैंने व्यू मिरर का बटन दिखाया DVR में, उसका बटन भी यहाँ पे दिया गया है। और आपकी जो नॉब है वो भी पियानो ट्यून दी गई है, जो कि बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, गाड़ी की जो लुक्स है उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। अब देखिए टॉप वेरिएंट में भी आपको इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक दी जाती है, जब भी आप यूज करना हो बड़े कन्वीनियंसली आप यूज कर सकते हैं। साथ ही ऑटो होल्ड का फंक्शन है, अब देखिए ऑटो होल्ड का फंक्शन कईयों को नहीं पता होता अभी कहाँ यूज होता है। देखिए जब आप लाइटों पे गाड़ी रोकते हैं उस टाइम बार बार ब्रेक ना लगानी पड़े हैंड ब्रेक, उसके लिए ऑटो होल्ड का फंक्शन होता है। जब भी आप ऑटो होल्ड का फंक्शन ऑन करते हैं तो आपके डिस्प्ले पे ऑटो होल्ड का फंक्शन आ जाता है, जब भी आप ऑफ करेंगे आपको बंद होता है, जब भी आप ऑन करेंगे तो ग्रीनिश हो जाता है, जिसके कारण आप यूज कर पाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ में कप होल्डर की स्पेस आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, आप देखिए पहले क्या था एयर प्यूरिफायर आपको यहाँ पे देखने को मिलता था, अब क्या है दोस्तों इसके अंदर इंटीग्रेटेड कर दिया गया, आपके जो AC है इसी के अंदर ही इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, क्योंकि आपको बार बार जो चेंजेस है वो चीज ना करने पड़े, आपको बार बार अपना फिल्टर यहाँ से चेंज ना करने में आपको डिस्टर्बेंस ना हो, उस चीज के लिए कंपनी इंटीग्रेटेड कर दी है जो कि बहुत अच्छा लगता है। साथ ही स्पेस मिल जाती है, अब देखिए Hyundai की हर एक गाड़ी में आपको डैशबोर्ड के ऊपर स्पेस देखने को मिलती है, आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे एक एम्बियंस लाइट मिलती है जो कि आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और देखने वाली बात है कि बहुत ही अच्छी लगती है, येलो कलर की लाइट है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और साथ ही ऊपर देखिए फिनिश में आप देखेंगे डैशबोर्ड में आपको इसके अंदर पियानो
फिनिश दी गई है और आपका वेंटी भी अच्छा लग रहा है। और देखिए डिजाइन को अगर आप इस डिजाइन को देखें और डिजाइन को देखें, थोड़ा सा कंबाइंड डिजाइन लग रहा है, थोड़ा सा जो कमी है वहां पे वो पूरी करती है कंपनी, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही में छोटे मोटे आइटम रखने के लिए यहाँ पे जगह भी दे दी गई, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, और साथ में ग्लव्स बॉक्स में ठंडी चिल्ड होने के लिए चीज रखने के लिए आप रख सकते हैं, चॉकलेट है, कुछ भी आप कैन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फर्स्ट एड दी गई है जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो लेदर की क्वालिटी है दोस्तों बहुत प्रीमियम है, ऐसा नहीं लग रहा कोई कमी लग रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी दी गई है जिसके कारण लॉन्ग लास्टिंग रहती है, लेदर खराब नहीं होता। साथ में सीटों में डिजाइन भी दिया गया है जिसके कारण आपको कंफर्टेबिलिटी रहे, ऐसा ना लगे कि लंबे टाइम के लिए कंफर्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों लाइट्स की विजिबिलिटी, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया क्वाड LED हेडलाइट मिलते हैं, अब देखिए इनकी विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। अभी तो हम शोरूम में खड़े हैं, जब हम हाई बीम कर रहे हैं और या फिर लो बीम देख रहे हैं तो देखिए दोस्तों कितनी ब्राइटनेस है इसकी। अब हम रोड पर जब निकलेंगे तो दोस्तों कितनी लाइट होगी इसकी वो भी देखने वाली बात है। पर ऑल ओवर अगर हम लाइट की बात करते हैं तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, कोई दिक्कत चाहने वाली बात है नहीं। तो अगर हम ऑल ओवर बात करते हैं गाड़ी की, जो इंटीरियर है जो मेजर चेंज कंपनी ने किया है वो बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए ऐसी चीज़ें कंपनी करती रहनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर लगभग प्राइस का डिफरेंस देखिए पहले से और अब में लगभग 20-30 हज़ार रुपये का 40 हज़ार का गैप आया है। पहले जो गाड़ी एक्स प्राइस की थी अब थोड़ा सा ज़्यादा 40 हज़ार बताया, पर 40 हज़ार अब लगाया हुआ दिखता भी है। अब देखिए कंपनी जो जॉइंट आपका क्लस्टर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक सिस्टम दिया है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, स्पेशियस लगता है, मज़ेदार लगता है, गाड़ी अच्छी लगती है। अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है 2050 की गाड़ी 2024 में ला के कंपनी ने खड़ी कर दी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। अब देखने वाली अगर आप IVRM पे देखेंगे आपको ब्लू लिंक के सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, साथ ही डे नाइट मिरर आपको ऑटो डिमिंग के साथ मिलता है, साथ ही सनग्लास होल्डर आपको देखने को मिलेगा। अब दे स्पेक्स यूज करते हैं जो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। साथ ही आपको सनरूफ मिलता है। अब देखिए सनरूफ दो तीन तरीके से ओपन हो जाता है, दो तीन तरीके से कैसे ओपन होता है मैं बताता हूँ। पहला बटन से कर सकते हैं, दूसरा आप अपने ब्लू लिंक से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्लू लिंक कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों, ब्लू लिंक एक्टिवेट करके 70 प्लस फीचर आपको कंपनी ने दिए गए हैं, वो उसकी मदद से आप वॉइस असिस्ट की मदद से आप सनरूफ खोल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों वॉइस असिस्ट के साथ आपको ब्लू लिंक दिया गया है। अब देखिए पहले 65 फीचर आया करते थे, अब कंपनी ने 70 फीचर दे दिए हैं, जो कि बहुत एडवांस है दोस्तों, जिसके अंदर आपको ओवर द एयर मैप्स मिल जाते हैं। अलेक्सा है घर में तो अलेक्सा को कहिए गाड़ी स्टार्ट कर दे, भाई गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, हिंदी में भी कमांड लेगी दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा है। मल्टी लैंग्वेज आपके साथ काम कर दिया है, जो कि बहुत एडवांस फीचर है दोस्तों। ऐसी चीज देने के लिए कंपनी को बहुत बारी सोचना पड़ता है, बट हेड्स ऑफ Hyundai बहुत अच्छे फीचर दिए गए। बॉस का प्रीमियम साउंड दे दिया है कंपनी ने। देखिए बॉस को भी गाड़ी को कंपनी में लाने के लिए बहुत सारे मुसद्दत करने पड़ते हैं, कहाँ इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, पर ऑल ओवर बहुत अच्छी चीज दी गई है। गाड़ी लुक्स वाइज अच्छी लगती है, अपील वाइज बहुत अच्छी है, एम्बियंस अच्छा है गाड़ी का, और प्राइस वाइज भी जस्टिफाई करती है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखिए गाड़ी की बात करते हैं, अब इंटीरियर सबको बात कर ली है, अब लास्ट में बात करेंगे इंजन की भी, गाड़ी के अंदर कितने सीसी का इंजन है, पावर कितनी है, चलो चलते हैं। अब आ चुके हैं फ्रंट पे बोनट के पास और देखेंगे फीचर एडवांटेज बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। जब हम हुड खोलते हैं दोस्तों आपको इसकी स्ट्रेंथ का पता लग जाएगा। अब देखिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड गाड़ी के अंदर हो चुके हैं, तो ग्लोबल NCAP रेटिंग के लिए एलिजिबल हो चुकी है गाड़ी। अब देखिए बोनट की क्वालिटी से हम देखिए ले लैंग्वेज में पता करते हैं गाड़ी की क्वालिटी कैसी है। अब देखिए इसके अंदर 65% एडवांस हाई स्ट्रेंथ सील है और HSS आपको दे रखा है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर हम देखिए बोनट खोलते हैं गाड़ी का, अगर आप बोनट खोल के देखेंगे इसके अंदर, जब हम बोनट खोलते हैं तो आप देखिए इसकी अच्छी क्वालिटी है। साथ ही देखने वाली बात क्या है, इसके अंदर साउंड प्रूफिंग की गई है। अब देखिए आपको हुड के नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा आपको गत्ते जैसा लगा रखा है मटेरियल, इसका बड़ा अच्छा एडवांटेज होता है दोस्तों। अब एडवांटेज क्या है कि देखिए साउंड जो होती है गाड़ी की, जिसके कारण आपको डिस्टर्बेंस है, वो चीज़ नहीं होती, जो कि अच्छी बात है। जब हम इंजन की तरफ आते हैं दोस्तों, इसके अंदर मिलता है 1500 cc का इंजन, जो कि बहुत ही रिलायबल है, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से आ रहा है, आपको क्रेटा में पहले भी आ रहा था, वरना में भी आ रहा है दोस्तों। इसके कारण एडवांटेज दोस्तों ये कि आपको स्पेयर पार्ट बड़े इजीली मिल जाता है। साथ ही अगर हम बात करें इसकी गाड़ी की एवरेज की, तो लगभग दोस्तों इसकी एवरेज 15 के आसपास लोकल आ जाती है, चलाने पे डिपेंड है पेट्रोल में। साथ ही अगर हाईवे पे चलते हैं तो लगभग 17 के आसपास माइलेज आ जाते हैं, डिपेंड अपॉन योर ड्राइविंग स्किल। अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, इसके अंदर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है लगभग 2500 से 4000 रुपये आती है, डिपेंड अपॉन आप काम क्या करा रहे हैं। जो नेचुरल सर्विस होती है उसमें सिर्फ सर्विस काउंट होती है दोस्तों, दो लगभग बहुत रिलायबल है, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 4000 में एक छोटी गाड़ी की सर्विस होती है, एक बड़ी गाड़ी की सर्विस हो जाने से बहुत अच्छा सरप्लस पॉइंट होता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर आपको पावर सेविंग बैटरी मिलती है। पावर सेविंग बैटरी से कैसे काम करती है, आपका अल्टरनेटिव कट ऑफ हो जाता है, जिसके कारण गाड़ी की बैटरी ओवरचार्ज नहीं होती। ओवरचार्ज ना होने से गाड़ी की जो बैटरी की हेल्थ है बहुत ज़्यादा चलती है, जो कि बहुत अच्छी एडवांटेज है। साथ ही अगर हम बात करें गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंजन प्रोटेक्शन कैमरा, मैंने दिखते गए अब इंजन प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, जिसके
कारण जो कंकर पत्थर है वो नहीं लगेंगे दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि सबसे अच्छा सरप्लस पॉइंट है। अगर देखिए क्रेटा की बात करें, क्रेटा देखिए बहुत अच्छी परफॉर्मिंग कार है, 2015 से आ रही है और आज भी चल रही है, कल भी चलेगी दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऑल ओवर गाड़ी की, जो ऑल ओवर लुक है, हमने देखिए 6 स्टेप में आपका डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसके बाद देखिए गाड़ी की जो लुक है बहुत अपीयरेंस आई है, मस्कुलर लुक आ गई, पहले जेंटल लुक थी अब मस्कुलर लुक आ गई है, बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। अगर हम दोस्तों कॉस्ट की बात करते हैं, ये टॉप वेरिएंट है, एस एक्स ऑप्शनल वेरिएंट है, इसकी कॉस्ट है 17,23,300 रुपये एक्स शोरूम है और एक कंपनी की तरफ से इंट्रोडक्टिव प्राइस है। अब देखिए टॉप वेरिएंट होने की वजह से इसके अंदर टोटली लोडेड फीचर मिल जाएंगे, चाहे अगर आप DRLs की बात करो, चाहे क्वाड LED हेडलैम्प्स की बात करो, चाहे आप अलॉय व्हील डायमंड कट 17 इंच की बात करो, आपको गाड़ी के अंदर रियर एसी वेंट, रिक्लाइनर सीट, रियर कर्टन, चाहे बात करो डीफॉगर की बात करो, चाहे आपको टेल लैम्प कनेक्टेड की हो जाए, चाहे आपको रियर वूफर की स्पेस दी गई हो, पार्शल ट्री दी गई हो, अच्छा खासा लगेज स्पेस दिया गया हो, साथ ही अगर जब आप ड्राइवर सीट पे आते हैं दोस्तों स्मार्ट एंट्री, वेलकम फीचर, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, स्टेयरिंग एडजस्टेबिलिटी और डास के 19 फीचरों में से कुछ फीचर आपको स्टेयरिंग पे देखने को मिलेंगे, कुछ एक आपको लाइव आप जब आप ड्राइव करेंगे तभी आपको पता लगेगा। साथ ही जो क्लस्टर और आपका डास जो क्लस्टर है आपका और जो म्यूजिक सिस्टम इकट्ठे देने की वजह से गाड़ी का जो अपीयरेंस है बहुत अच्छी लग रही है। अगर हम इंटीरियर की बात करें, कंपनी ने जो मेजर फोकस रखा है वो गाड़ी का इंटीरियर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव अप टू मार्केट लग रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑल ओवर इस कॉस्ट में कंपनी ने 17,23,000 मैनुअल की कॉस्ट रखी है, तो बहुत अच्छी प्राइस है दोस्तों। इस प्राइस में कंपनी ने बहुत सारे फीचर अप टू डेटेड दे दिए हैं, जो कि आपको 10 साल तक आपके लिए यूसेज रहेंगे, वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। देखिए आने वाले टाइम में एडास बहुत ज़्यादा यूज होगा, हर एक गाड़ी में आना शुरू हो जाएगा, कहने के वाले स्टैंडर्ड भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड दिए गए हैं, ABS CVT मिलता है, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम आपको मिल जाएगा इसके अंदर, आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे स्टैंडर्ड फीचर आपको दे दिए गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑल ओवर आप देख पाएंगे गाड़ी बहुत अच्छी है दोस्तों। पेज पे अब फुल वीडियो डाल रहा हूँ, पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, योर कार एडवाइजर यूट्यूब का नंबर 1 चैनल दोस्तों, और आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे वेरिएंट्स की कंपैरिजन और वीडियो देखने को मिलेगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना योर कार एडवाइजर।